ये रिश्ता क्या कहलाता है, लंबे वक्त से लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। लेकिन क्या आपको पता है, दद्दाजी का किरदार प्ले करने वाले संजय गांधी पाई पाई के मोहताज हो गए हैं। उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि घर बेचने की नौबत आ गई है। ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं अक्षरा के बड़े ससुर जी का रोल प्ले संजय गांधी ने निभाया था। हाल ही में एक्टर ने खुलासा किया कि वो मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। एक्टर ने कहा कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं और एक्टर की लाइफ ऐसी ही होती है। संजय गांधी झनक शो का हिस्सा थे लेकिन फिर भी तंगी से गुजर रहे हैं। एक्टर ने कहा, जब मैं झनक में शामिल हुआ तो मुझे 20 दिन के काम को कहा गया। उसके बाद कहा गया कि आपका ब्रेक होगा और बाद में फिर बुलाया जाएगा। अब 9 महीने हो गए लेकिन वापस नहीं बुलाया गया, ना ही उसकी कोई जानकारी दी गई। मैं अपने ट्रैक का खुलने का काफ़ी वेट कर रहा था। मई के बाद से मैंने उनसे नहीं सुना। अगर मेरी ज़रूरत नहीं थी तो वो मुझे बता सकते थे, मैं कोई दूसरा प्रोजेक्ट ले सकता था। इसके साथ ही एक्टर ने कहा, मुझे शहर में खुद को बनाए रखने की ज़रूरत है, मेरे पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है। कोरोना के दौरान मेरी सारी बचत खत्म कर दी थी। मैं अंधेरी में किराए के घर में रहता हूँ और किराए के लिए पैसे दोस्तों से उधार ले रहा हूँ। मैं मीरा रोड पर अपना घर गिरवी रखने के कगार पर हूँ। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। तो ये दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक्टर संजय गांधी की ऐसी हालत के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।